कारागृह। कारागृह का नाम सुनते ही जहन में सीधी सीधी तस्वीर बनती है कि समाज के वो लोग जो किसी प्रकार के गुनाह में या किसी प्रकार के गलत कार्य में मुब्तिला थे, उन्हें कानून के तहत सजा दी गई और वह कारागृह में अपने किए हुए जराइम की सजा भुगत रहे हैं। लेकिन यह सिर्फ एक पहलू है। इस कारागृह में कैद लोग भी आखिर समाज का हिस्सा होते हैं, किसी न किसी समाज, किसी न किसी परिवार से जुड़े होते हैं। हालात और परिस्थिति उन्हें वहां पहुंचा देती है, लेकिन इस वजह से ही उनके लिए देखने का नज़रिया बदल जाता है। कारागृह के लोगों के प्रति समाज की सोच जो कुछ भी हो, लेकिन वह तस्वीर का एक ही पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि कारागृह में भी अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ, अच्छे अच्छे गुण व अच्छी अच्छी चीज़ों को अपने आप में समावित करने वाले लोग मौजूद होते हैं। इसका एक नज़ारा 23 अगस्त को अमरावती शहर के मध्यवर्ती कारागृह में देखने को मिला, जब अमरावती के जिला अधिकारी शैलेश नवाल के हाथों कारागृह में कैद कैदियों द्वारा बनाई गई 500 मूर्तियों की प्रदर्शनी लगाई गई। यह मूर्तियाँ पूरी तरह से कैदियों द्वारा निर्मित की गई थी। 8 कैदियों ने मिलकर 500 मूर्तियों को आकार दिया था। यह मूर्तियाँ पूरी तरह से पर्यावरण प्रेमी हैं, मिट्टी की बनाई गई हैं और जो इसमें कलर इस्तेमाल किए गए हैं वह भी पर्यावरण को ध्यान में रखकर किए गए हैं। इसके पहले भी कारागृह में मौजूद कैदियों ने LED लाइट, ट्यूब लाइट्स, राखी व और भी कई प्रकार की वस्तुओं को अपने हाथों से बनाया था, जिसे लोगों का अच्छा खासा प्रतिसाद भी मिला था। पिछले साल कारागृह में कैद कैदियों ने 50 मूर्तियां बनाई थी, लेकिन इस बार वह आंकड़ा बढ़कर 500 हो चुका है। इस मौके पर अमरावती जिला के जिलाधीश शैलेश नवाल ने कैदियों के इस गुण का कौतुक करते हुए उनकी सराहना की। एकादा वेली अपन सजा कुणा देतो, पण त्या ठिकाणी सुद्धा कारागृह मध्ये सुद्धा आपण आपले कौशल्याचा विकास कसा करता येऊ शकते याचा एक अप्रतिम उदाहरण अमरावती मध्यवर्ती कारागृह मध्ये आपल्याला पाहायला भेटतोय। आणि आता एक पर्यावरण पूरक गणपतीची किंवा बाकी सगळं मूर्ती आपण आपलं जेलमध्ये कैदीच्या बाबत निर्माण करते आहे, एक अभिनंदन आणि स्तुतीय उपक्रम आहे। अमरावती जिला मध्यवर्ती कारागृह के जेल अधीक्षक इन्होंने बताया कि किस तरह से कैदियों ने अपने हाथों से इन मूर्तियों को साकार किया और किस तरह से कैदी अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव को भूलकर एक अच्छे कार्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इस कार्य को अंजाम देने के लिए जेल अधीक्षक व अमरावती मध्यवर्ती कारागृह की पूरी टीम भी कैदियों का खूब प्रोत्साहन करती है। कैद्यांनी मातीपासून बनवलेल्या मूर्तीचं प्रदर्शन ठेवलेलं आहे। सर्व मूर्ती ह्या पर्यावरणपूरक अशा मातीच्या असून सर्व कलाकुसर कैद्यांनी बनवलेले आहे। प्रत्यक्ष पाहिल्यानंतर आपल्या लक्षातच येईल तर हा आमचा दुसरा उपक्रम आहे आणि मागच्या वर्षी चांगलं अमरावतीकरांचं प्रत्यक्ष मिळाला होता आणि या सुंदर मूर्तीचा आज सरांच्या हस्ते शुभारंभ। अमरावती महानगर पालिका की पार्षद पद्मजा कौंडने ने भी कैदियों द्वारा किए गए इस कार्य का कौतुक करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यों को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि कैदियों को भी अपनी जिंदगी तब्दील करने में मदद मिल सके। गृहाच्या वतीनं कैदी बांधवांच्या माध्यमातून त्यांच्यामध्ये जे कलाकौशल्य आहे, त्यांच्यामध्ये जे कलागुण आहे, त्यांच्या कलागुणांना उजागर करण्याची संधी या गणपतीच्या मूर्तीच्या माध्यमातून मिळालेली आहे। या कैदी बांधवांनी मातीच्या पर्यावरणपूरक अशा गणपतीच्या मूर्ती या ठिकाणी बनवलेल्या आहे। खरं पाहिलं तर एक समाजासाठी एक चांगलं उद्दिष्ट अमरावती मध्यवर्ती कारागृहाच्या माध्यमातून या ठिकाणी पूर्णत्वास येत आहे। कारागृहाचे अधीक्षक आदरणीय श्रीमान कांबळे साहेब यांच्या नेतृत्वामध्ये गेल्या वर्षीपासून अमरावती मध्यवर्ती कारागृहाच्या माध्यमातून अशा विविध प्रकारच्या गणपतीच्या मूर्त्या, लक्ष्मीपूजनाला दिवाळीच्या लक्ष्मीच्या मूर्त्या या तयार करवल्या जातात आणि त्याची विक्री सुद्धा अमरावती शहरामध्ये होत। VCN न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सागर तायडे के साथ जितेंद्र कांबळे की रिपोर्ट।